Hi everyone, in solution series for CSAT 2023, this is the second video in the series of two videos which I started yesterday on tricky questions or tricky comprehension passages. I have selected six questions to discuss, out of which I have discussed three yesterday, and I'm going to discuss three more in this video. Let us start with the first passage. Along with sustainable lifestyles, climate justice is regarded as a significant principle in environmental parlance. Environment ki bhasha mein climate justice ek significant principle hai. Both the principles have bearing. Both matlab kaun se? Sustainable lifestyle aur climate justice. Both the principles have bearings on political and economic choices of the nation. So far, in our climate change summits or compacts, both the principles have eluded consensus among nations. मतलब जो भी क्लाइमेट समिट्स होते हैं या कॉम्पैक्ट्स होते हैं वहां पे ये दो प्रिंसिपल में 100% कंसेंसस मतलब एकमत नहीं हुआ है. जस्टिस इन अ जुडिशियल सेंस मतलब कोर्ट वाली भाषा में जस्टिस को पूरी तरह अच्छी तरह से डिफाइन किया गया. हमको पता है जस्टिस का मतलब है न्याय. However, in the context of climate change, it has a scientific as well as socio-political connotation. So, in the context of climate change, climate justice or the word justice has a meaning which has a socio-political as well as scientific connotation. The crucial question in the next few years will be how resources, technologies and regulations are used to support the victims of climate change. So, यहाँ पे बोलता है कि ये crucial question ये है कि आने वाले सालों में रिसोर्सेज टेक्नोलॉजीज और रेगुलेशंस कैसे यूज करेंगे उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो कि क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट होगी. सो ऑब्वियसली यू नो दैट कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट एंटायर वर्ल्ड एट द सेम टाइम इन द सेम वे. तो कोई जगह ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, कोई जगह कम इम्पैक्ट होगा. तो उनके सपोर्ट के लिए रिसोर्सेज टेक्नोलॉजीज और रेगुलेशंस कैसे यूज किए जाएंगे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रूशियल क्वेश्चन. जस्टिस इन क्लाइमेट इज नॉट कन्फाइंड टू एक्शंस रिलेटिंग टू मिटिगेशन बट इंक्लूड्स अ वाइडर नोशन ऑफ सपोर्ट फॉर अडॉप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज. तो जस्टिस क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ वो नहीं है कि आप मिटिगेट कर लो, राइट? मिटिगेट मतलब कम कार्बन एमिट कर लो, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर लो वगैरह वगैरह. उससे जस्टिस का मतलब नहीं है. इन द सेंस दैट कि है वो पार्ट है बट इट इज नॉट कन्फाइंड और लिमिटेड टू दैट. बट जस्टिस का मतलब बहुत वाइड है, जो कि सपोर्ट फॉर अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज मतलब ये तो एक्सेप्ट करना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके लिए अपने चॉइसेस को अडोप्ट करना, और फिर वो लोगों को कॉम्पेंसेट करना जिनका उसकी वजह से लॉस और डैमेज हुआ. ये सबको मिला के क्लाइमेट जस्टिस बनेगा. दिस इज व्हाट द पैराग्राफ इज सेइंग. व्हाट इज द क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड क्रूशियल. देखो यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट रैशनल एंड मोस्ट क्रूशियल मैसेज पूछा. तो दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. लेट अस सी द ऑप्शंस. Climate justice should be ingrained in detail in the rules of all the new climate compacts and agreements. So, यहाँ पे क्या बोला है देखो. So far, in our climate change summits or compacts, both the principles have eluded consensus among nations. So, ये एक possible message है कि इसको करना चाहिए. दूसरा क्या है? Environmental resources are unevenly distributed and exploited across the globe. ऑलरेडी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, एनवायरमेंटल रिसोर्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसके बारे में पैराग्राफ बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है. देयर इज एन इम्पेंडिंग इशू ऑफ डीलिंग विद द ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट चेंज विक्टिम्स एंड क्लाइमेट रिफ्यूजीज. देखो यहाँ पे ये बोला है कि लोगों को कॉम्पेंसेट करना चाहिए लॉस एंड डैमेज, और यहाँ पे ये भी बोला है कि सपोर्ट द विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज उनको करना चाहिए. लेकिन क्या पैराग्राफ ये बोल रहा है कि ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं क्लाइमेट के या विक्टिम्स है क्लाइमेट चेंज के, जिनका इश्यू, जिनको सपोर्ट करना बहुत दिनों से, बहुत सालों से पेंडिंग है. इन सेंस इम्पेंडिंग, लंबा चलता हुआ. क्या पैराग्राफ इसके बारे में बात कर रहा है? नहीं कर रहा है. ये नहीं कह रहा है कि ये इश्यू ऑलरेडी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ चुका है, ये नहीं कह रहा है. ये बोल रहा है कि उसको करना जरूरी है, लेकिन उसका एक्सटेंट क्या है, ये कितने दिन से पेंडिंग है, ये नहीं कह रहा है पैराग्राफ. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. व्हाई आई इंक्लूडेड? बिकॉज सम पीपल बिलीव दैट दिस इज अ राइट ऑप्शन, बट आई डोंट बिलीव दैट इज अ राइट ऑप्शन. इट इज नॉट एन इम्पेंडिंग इशू पैराग्राफ. इसके बारे में ऐसे कुछ भी बात नहीं. फोर्थ, क्लाइमेट चेंज इन ऑल इट्स कनोटेशंस
इज मोस्टली ड्यू टू डेवलप्ड कंट्रीज एंड देयरफॉर देयर शेयर ऑफ बर्डन शुड बी मोर। ये तो कभी बात नहीं कर रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इसके बारे में बराबर कुछ नहीं बोल रहा। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ये तो करना पड़ेगा, करना चाहिए, ये क्लियरली पैराग्राफ से बाहर उभर के आ रहा है। यहाँ पे क्लाइमेट विक्टिम्स और रिफ्यूज को सपोर्ट करने की बात हो रही है, लेकिन ये एक इम्पेंडिंग इश्यू है, इससे तो पैराग्राफ ह्यूज नंबर ऑफ बोल रहा है, कितना है ऐसा तो कोई पैराग्राफ बात ही नहीं कर रहा है। तो आई डोंट नो व्हाई दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन की वजह से कैसा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया इज यूनिक, मतलब घर का जो बजटिंग होता है वो इंडिया के बारे में यूनिक है। वी हैव अ टेंडेंसी टू इन्वेस्ट हेविली इन फिजिकल एसेट्स सच एज गोल्ड और प्रॉपर्टी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है हर इंडियन को गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। स्टेप्स टू एनकरेज द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स आर क्रिटिकल। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, मतलब रादर देन कीपिंग द मनी ओनली इन द बैंक you kind of you know invest it into certain assets or certain financial instruments so that the return on those savings is higher than the normal bank account. So that's the financialization of the savings. A populace accustomed to traditional processes will not simply jump into financialization. Traditionally we invest our savings into gold or property, and the population who is accustomed to this habit traditionally is not going to simply jump into financialization or explore other options. Hurdles to change includes onerous bureaucracy, मतलब इसमें bureaucracy भी ज़्यादा है, और skepticism of organized financial institutions, a lack of basic information about which of the myriad services and providers is best for each family. Information का तो lack है कि इतने सारे financial सोल्यूशंस और प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सर्विसेज अवेलेबल है, प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, कि अपने फैमिली के लिए कौन सा अच्छा है उसको समझने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो लैकिंग है, वो डिसीजन पॉइंट मुश्किल है। एंड हाउ एंड इवन इफ वन कैन मेक द ट्रांजिशन बिटवीन देम इफ नेसेसरी, इन ऑप्शंस के बीच में ट्रांजिशन करना पड़ेगा तो करना पॉसिबल है नहीं है, ये बारे में बिल्कुल लोगों को अवेयरनेस नहीं है। दैट इज व्हाट द पैराग्राफ इज सेइंग। व्हाट इज द क्वेश्चन regarding the financialization of household savings, which of the following statements best reflect the solutions that are implied by the passage? Implied, okay, clearly bataya nahi gaya hai passage mein, lekin wo batana chah raha hai, right? That is the implied message or implied solution. So kis cheez ka solution to financialization of household savings ke liye kya kya solution ho sakte hain, ये पैसेज बता रहा है। दैट इज द क्वेश्चन। नाउ हियर मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पैसेज इज डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स इन फाइनेंशियलाइजेशन, वी हैव टू लुक एट दोस प्रॉब्लम्स एंड सी वेदर द सॉल्यूशंस ऑफर्ड बाय दिस स्टेटमेंट्स इज द राइट सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम इन द, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर इम्प्लाइड बाय द पैसेज, राइट? सो वी हैव टू मेक सम जजमेंट हियर। व्हाट आर द ऑप्शंस? अ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट इज नीडेड टू डेवलप सॉल्यूशंस, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे वनरस ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, और यहाँ पे वन कैन मेक द ट्रांजिशन बिटवीन देम, ट्रांजिशन एक से मतलब एक बैंक का लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफर करो, गिविंग अ सिंपल एग्जांपल, राइट? और यू आर बाइंग वन यू नो म्यूचुअल फंड इन दिस कंपनी, देन एग्जिटिंग दैट एंड गेटिंग इन टू अनदर इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड, हाउ ईजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज, इट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, देन पीपल विल बी मोर कम्फर्टेबल टू गो फॉर दैट। Household needs customized solutions, ये भी सही है, because you know for best for each family की जरूरत है, और when they say best for each family, that means it has to be customized for each family. तो ये तीसरा statement tricky है। Innovations in financial technology are required. So here they are talking of financial technology, okay? Whereas this entire paragraph is not at all talking anything about financial technology. It is talking about innovations in financial services or financial products, but it is not talking about innovations in financial technology. This statement is very incorrect, and that's why answer to this question is A. The moment you read this, okay, you may think that it is right, lekin
According to me, it is not, because this is specifically calling out the technology part here. Whereas in this entire paragraph, you can nowhere see anything about financial technology. Okay? It is talking about ki zarurat hai logon ko awareness ki, flexibility ki, aur agar innovation karna hai to unke liye customize. See, when you want to do the customization for each family, then you have to innovate, right? You have to innovate your products and services so that they can be easily customized for each family. So all those things are being talked about, but not technically. You know, answer is 1 and 2. You know, next deck there. The last end of the state is not to dominate men, nor to restrain them by fear. Rather, it is so to free each man from fear that he may live and act with full security and without injury. यहाँ पे क्या बात की जा रही है? That the goal of the state is not to dominate people, not to dictate them, but create an environment where they can act fearlessly, act with security and without any hurt or injury to them. Okay? And they should not have any fear. That is what the first statement says. Injury to himself or his neighbor. The end of the state, I repeat, is not to make the rational beings into brute beasts and machines. Okay? तो लोगों को बीस्ट और मशीन्स नहीं बनाना है. इट इज टू इनेबल देयर बॉडीज एंड देयर माइंड्स टू फंक्शन सेफली. द माइंड इज सेफ, देयर बॉडी इज सेफ, द माइंड इज सेफ, दे आर नॉट विद एनी फियर, दे कैन एक्ट एट देयर विल, इज व्हाट द गोल ऑफ द स्टेट इज. इट इज टू लीड मेन टू लिव बाय एंड टू एक्सरसाइज अ फ्री रीजन. सो देयर शुड बी अ फ्रीडम, देयर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ थॉट, देयर शुड हैव अ फ्रीडम ऑफ रीजनिंग. And based on that thought or the reasoning, they should have freedom of acting on it. That they may not waste their strength in hatred, anger, and guile, nor act unfairly toward one another. मतलब harmony होनी चाहिए. You know, उनका strength waste नहीं होना चाहिए towards in hatred towards each other or anger towards each other. Is what the passage is saying. What is the question? Based on the above passage, which one of the following terms best expresses the ultimate goal? Now focus on this word ultimate. Ultimately क्या चाहिए? मतलब at a very high level, broader, what does the state want to achieve is the question. Okay? If you look at the option, personal safety, हाँ, state को ensure करना चाहिए. यहाँ पे बोला भी है without injury. At couple of places they say security. At couple of places they say safety. सेफली फंक्शन होना चाहिए, तो पर्सनल सेफ्टी इज राइट. हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड, तो दे शुड इनेबल देयर बॉडीज एंड देयर माइंड्स टू फंक्शन सेफली. सो सम ऑफ यू मे थिंक दैट दिस इज ऑल्सो राइट. कम्युनल हार्मनी, यस, बिकॉज दे शुड नॉट वेस्ट देयर स्ट्रेंथ इन हेट्रेड, एंगर एंड गाइल, और शुड नॉट बी अनफेयर टूवर्ड वन अनदर. तो ये भी है. बट you know, last one is liberty. Liberty is a very broad term, right? It is talking about giving that freedom everywhere, giving that freedom or liberty, so that creating that environment, liberal environment, where they can think, reason, and act without any fear, injury, hurt, right? So all these other things are possible if the end goal of liberty is achieved by the state. Okay? And that's why answer to this question is D, nothing else, because of the word ultimate. Ultimate goal, right? Ultimate goal, if a state is able to achieve a liberal state of liberty within the state, then all other things will fall in place. So answer to this question is option D, liberty. So with this, I am going to conclude these 6 passages, which are the most tricky questions of CSAT 2023. I think there are 27 passages, out of which I have covered 6, and I will cover the rest 21 also in a gradual series of videos, mixing with the other maths and the reasoning problems that I have not solved yet. So please subscribe to my channel. I will continue to solve this paper as well as start covering the CSAT topics.
We are also releasing geography videos which are fully animated and which are well researched. So subscribe to our channel. You can contact me on Brenita UPSC handle on Instagram. So thank you very much for watching this, and I'll see you in the next video.